आइए अब संज्ञा के दूसरे विकारी तत्व वचन के विषय में जानते हैं कि वचन क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और इनको बदलते समय किन बातों का ध्यान रखा जाता है। मैं यहाँ एक वाक्य लिख रही हूँ, बच्चा खेल रहा है। एक और वाक्य है, बच्चा बच्चे खेल रहे हैं। अब यहां देखिए, पहले वाक्य से हमको यहां पर क्रिया और कर्ता की एक संख्या का पता चल रहा है, जबकि दूसरे वाक्य में हमें क्रिया और कर्ता की अनेक संख्या का पता चल रहा है। तो यही एक और अनेक संख्याओं का पता कराना वचन कहलाता है। तो इस प्रकार से वचन की परिभाषा होगी शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन के कितने भेद होते हैं? वचन के दो भेद होते हैं। वचन के भेद दो भेद होते हैं, पहला एक वचन और दूसरा है बहुवचन। एक वचन क्या होते हैं? एक वचन जिन शब्दों के द्वारा प्राणियों, वस्तुओं, पदार्थों की एक संख्या का पता चलता है या उनका बोध होता है तो उन्हें हम एक वचन कहते हैं, और जिन शब्दों के द्वारा हमें प्राणियों, वस्तुओं और पदार्थों की अनेक संख्या का पता चलता है या बोध होता है उन्हें हम बहुवचन कहते हैं। एक वचन में जैसे पुस्तक, लड़का, ये इसके उदाहरण है, और बहुवचन में पुस्तकें, लड़के। तो हमें इन शब्दों से क्या पता चल रहा है? पुस्तक और लड़का, इनसे पता चल रहा है कि यहाँ पर संख्या एक है, एक पुस्तक है, एक लड़का है। और यहाँ पर पुस्तकें और लड़के से क्या पता चल रहा है? एक से अधिक पुस्तकें और एक से अधिक लड़के हैं, इसलिए ये बहुवचन हो गया और ये हो गया एक वचन। तो आइए अब जानते हैं कि हम वचन को किन प्रकार से, किस किस प्रकार से हम पहचानते हैं, वचन की पहचान क्या है, उसे हम कैसे पहचान सकते हैं। तो वचन की पहचान हम दो प्रकार से करते हैं। वचन की पहचान हम दो प्रकार से करते हैं, पहला है संज्ञा और सर्वनाम के द्वारा और दूसरा है क्रिया के द्वारा। तो पहले हम जानेंगे संज्ञा और सर्वनाम के द्वारा। सर्वनाम के द्वारा, तो देखिए इसको उदाहरण से समझेंगे। उसने खाना खा लिया। देखिए उसने खाना खा लिया, ये उसने शब्द क्या है? सर्वनाम है। अब इसको जब हम बहुवचन में बदलते हैं तो ये हो जाता है उन्होंने खाना खा लिया। तो आप यहाँ पर देखिए कि सर्वनाम के कारण हमें यहाँ पर वचन का पता चल रहा है कि उसने और उन्होंने। इससे हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि सर्वनाम के द्वारा हमें एक वचन और यहाँ बहुवचन का पता चल रहा है। इसी तरह से संज्ञा से हम कैसे जानेंगे? देखिए, बच्चा सो रहा है। तो बच्चा सो रहा है, बच्चा शब्द क्या है? संज्ञा। अब इसको बच्चे सो रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर संज्ञा के माध्यम से जाना वचन को पहचाना कि यहाँ पर एक वचन है और ये बहुवचन है। अब क्रिया के माध्यम से कैसे हम वचन को पहचानेंगे इसको भी हम उदाहरण से समझेंगे। पहला उदाहरण देखिए, फूल खिला
यहाँ पर खिला है क्या है, क्रिया है। फूल खिला है, फूल खिले हैं। अब यहाँ क्रिया के द्वारा हमें पता चल रहा है कि यहाँ फूल क्या है, एकवचन हो जाएगा, और यहाँ पर फूल जो है यहाँ पर बहुवचन होगा। कैसे पता चल रहा है, ये क्रिया के द्वारा हमें पता चल रहा है। यहाँ पर फूल खिला है मतलब कोई एक फूल खिला है, और यहाँ फूल खिले हैं क्रिया के माध्यम से हमें पता चल रहा है कि बहुत सारे फूल खिले हैं। दूसरा उदाहरण है इसका, पक्षी उड़ता है। अब यहाँ पक्षी उड़ते हैं, अब देखिए यहाँ भी हम वचन क्रिया से जानेंगे, उड़ता है उड़ते हैं, पक्षी उड़ता है मतलब यहाँ कोई एक पक्षी उड़ता है, यहाँ पक्षी उड़ते हैं मतलब बहुत सारे पक्षी हैं उड़ते हैं, तो क्रिया के माध्यम से हमने यहाँ वचन को पहचाना। आइए अब जानते हैं कि वचन परिवर्तन के समय कौन सी बातें ध्यान देने योग्य होती हैं। उसमें कुछ मुख्य बिंदु हैं जिनको हम एक एक करके जानेंगे। मुख्य बिंदु, मुख्य बिंदु में देखिए पहला है अपने से बड़ों को हम जब भी पुकारते हैं तो उनके लिए हम आदर सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये शब्द सदैव बहुवचन में होते हैं, जैसे यहाँ पर शिवाजी, शिवाजी वीर योद्धा थे। तो यहाँ देखिए शिवाजी के लिए हमने यहाँ पर, वो वीर योद्धा थे, उनके लिए हमने बहुवचन का प्रयोग किया है। यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग किया गया है, शिवाजी वीर योद्धा थे। मेरे चाचा जी फौज में हैं। यहाँ देखिए हमने यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग किया, चाचा जी बड़े हैं, उनके लिए यहाँ पर आदर सूचक शब्द का प्रयोग हो रहा है, यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग किया गया है। अब दूसरा है, दूसरा बिंदु मुख्य इसमें यह है कि कुछ संज्ञा शब्द सदैव बहुवचन रहते हैं, जैसे आंसू, प्राण, हस्ताक्षर, समाचार इत्यादि, बहुत सारे शब्द हैं इसमें। तो यहाँ देखिए आंसू, प्राण, हस्ताक्षर, समाचार इत्यादि, ये सारे शब्द सदैव, इनका प्रयोग जो है बहुवचन में किया जाता है। जैसे उसके प्राण निकल गए। तो यहाँ प्राण शब्द का प्रयोग है, देखिए ये बहुवचन में किया गया, जबकि उसके क्या है, उसके एकवचन है, उसके प्राण निकल गए, तो प्राण निकल गए के लिए यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग किया गया है। इसके बाद एक और है, एक मुख्य बिंदु और है कि कुछ संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं जो होते तो एकवचन, होते तो बहुवचन है, लेकिन उनका प्रयोग एकवचन में होता है। जैसे सेना, परिवार, वर्ग इत्यादि। अब देखिए यहाँ पर सेना, परिवार, वर्ग इत्यादि, तो यहाँ पर जैसे हम एक आपको वाक्य बनाते हैं इसमें कि वर्ग मजदूर, मजदूर वर्ग मेहनत करता है। तो यहाँ पर मजदूर वर्ग मेहनत करता है, ये देखिए एक वचन में इसका प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार से इसके बाद जो है मुख्य बात वो ये है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और
भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, इनका प्रयोग सदा एक वचन में होता है। भाववाचक संज्ञा का प्रयोग कैसे होता है? एक वचन में इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे भाववाचक संज्ञा देखिए, जैसे आम में मिठास है, तो यहां पर मिठास क्या है? मिठास भाववाचक संज्ञा है। इसी प्रकार से व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग भी एक वचन के रूप में किया जाता है। आइए अब देखते हैं, एक और है इसमें, जो संबंध बोधक जो संज्ञाएं होती हैं, जो संबंध बोधक संज्ञाएं होती हैं उनमें भी सदा जैसे एक वचन का प्रयोग होता है। जैसे नाना, नानी, दादा, चाचा आदि। तो आपने देखा कि किन प्रकार, किस किस प्रकार से वचन को बदलते समय हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये मुख्य बातें हैं वचन लिखते समय इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि एक वचन को बहुवचन में कितने प्रकार से हम बदल सकते हैं। तो एक वचन को हम बहुवचन में बदलने के कई तरीके होते हैं। जैसे अ को ए में लिखना, जैसे यहाँ पर देखिए सड़क है, तो सड़क का बहुवचन हो जाएगा, यहाँ पर हम लिख देते हैं पहले एक वचन और यहाँ बहुवचन। सड़क, सड़क में देखिए क आ है, तो ये अ को हम ए में बदल देते हैं, तो ये हो जाता है सड़के। और कभी देखिए छात्र, छात्र इसमें भी अ है, तो इसको हम छात्राएं, ये भी ए में बदला जाता है। और ऐसे ही जैसे स्त्रीलिंग शब्द चिड़िया, चिड़िया, ये या को हम या में बदलते हैं, चिड़िया, चिड़िया हो जाएगा। इसी प्रकार से शब्द यहां पर बदले जाते हैं, ऊ का, अब ऊ का जा, ऊ का बदला जाता है, ई का बदला जाता है। और कई ऐसे शब्द होते हैं जिनका बहुवचन बदलने के लिए हमें ई या ऊ नहीं, इसमें या नहीं लगाते हैं, बल्कि उसमें गण, वृंद, जन, लोग, ये हम उनमें लगाते हैं। जैसे वर्ग, जैसे अभी हमने आपको बताया लोग, तो यहाँ किसान है अगर, तो किसान का अगर हम बहुवचन करेंगे किसान का, तो ये हो जाएगा किसान लोग। इसी प्रकार अगर ये यहाँ पर हम करें अध्यापक, तो अध्यापक का क्या हो जाएगा? अध्यापक वृंद, अध्यापक वृंद। तो ऐसे ही और भी शब्द हैं जिनका प्रयोग हम करते हैं। जैसे जन, गुरु, गुरु के लिए हम क्या हो जाएंगे यहाँ पर? गुरु जन, इनका बहुवचन हो जाएगा गुरुजन। तो इस प्रकार हम एक वचन को बहुवचन में बदलते हैं, अलग अलग, कभी ये कभी ए करके, कभी ए लगाकर, या लगा करके, और कभी लोग, वृंद, जन, इस तरह से हम एक वचन को बहुवचन में बदलते हैं। बच्चों आपने जाना कि वचन क्या है और इसके कितने भेद होते हैं और वचन बदलते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और एक वचन को बहुवचन में कैसे परिवर्तित किया जाता है। बच्चों मुख्य बात एक और है ध्यान देनी होगी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा और व्यक्ति वाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा,
और भाववाचक संज्ञा, इनका प्रयोग सदा एकवचन के रूप में होता है। कैसे होता है इनका प्रयोग? एकवचन के रूप में इनका प्रयोग होता है। देखिए कैसे, व्यक्तिवाचक संज्ञा, देखिए रमा पढ़ रही है। अब यहाँ रमा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो यहाँ पर ये एकवचन के रूप में प्रयोग किया गया है। अब इसी प्रकार से भाववाचक में आम, में मिठास, आम में मिठास है। अब देखिए यहाँ पर मिठास क्या है? भाववाचक संज्ञा है, तो यहाँ भी ये एकवचन में प्रयोग हुई है। इसके अलावा एक और बिंदु है, मुख्य बिंदु है। इसमें कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग सदा एकवचन में होता है, उनमें जैसे वर्षा, जैसे देखिए वर्षा, सत्य, इनका प्रयोग इत्यादि, इनका प्रयोग जो है सदा एकवचन के रूप में किया जाता है। इत्यादि, जैसे मैं इसका वाक्य बनाती हूँ, तेज वर्षा होने लगी। अब यहां देखिए इनका प्रयोग भी एकवचन में किया जाता है, एकवचन में प्रयोग इनका होता है। सत्य, सत्य का सदा सत्य बोलो, सदा सत्य बोलो। इसके बाद एक बिंदु से अंतिम बिंदु ये है कि कुछ संबंध सूचक संज्ञाएं होती हैं जो न तो एकवचन होती है न बहुवचन, वो दोनों ही में समान होती हैं। जैसे नाना, चाचा, दादी इत्यादि, ये दोनों ही वचनों में समान होती हैं। तो बच्चों ये तो कुछ मुख्य बातें थी वचन परिवर्तन के लिए। आइए अब ये जानते हैं कि एक वचन को बहुवचन में किन किन तरीकों से परिवर्तित किया जाता है। एक वचन और बहुवचन, देखिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं जैसे अ वाले शब्द होते हैं, अकारांत वाले शब्द, उनको हम जैसे सड़क, तो सड़क ये अकारांत का शब्द है, इसको हम ए लगा करके बदलते हैं, ए की मात्रा लगाएंगे तो ये बहुवचन हो जाएगा सड़के। इसी प्रकार से स्त्रीलिंग चिड़िया, या का हम या में बदलते हैं, जैसे चिड़िया, चिड़िया को कैसे बदलेंगे? या लगा करके, चिड़िया चिड़िया, तो ये हो जाएगा चिड़िया, बहुवचन में यहाँ पर चिड़िया हो जाएगा। उसके बाद उ उ वाले जो शब्द होते हैं जैसे वस्तु, तो ये उ वाले शब्द जो होते हैं उनमें हम ए लगाते हैं, जैसे वस्तुएं। इनके अतिरिक्त बच्चों, इनके अतिरिक्त कुछ शब्द होते हैं जिनको जोड़ करके हम बहुवचन बनाते हैं, जैसे गण, वृंद, वर्ग, जन, इन शब्दों को जोड़ करके भी शब्द बहुवचन बनाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए जैसे अध्यापक, अध्यापक का क्या हो जाएगा? अध्यापक का हो जाएगा अध्यापक वृंद, अध्यापक वृंद। इसी तरह से किसान, किसान
किसान का किसान लोग। युवा युवा वर्ग। इस तरह से हम देखते हैं कि अलग अलग शब्द जोड़ करके इसमें हम बहुवचन बनाते हैं। और भी इसके अलावा शब्द हैं, जैसे मान लीजिए एक शब्द और है कवि, तो कविजन, कविजन हो जाएगा। बहुवचन में हम क्या लिखेंगे? कविजन। पक्षी, तो पक्षी के लिए क्या लिखेंगे? पक्षी वृंद, पक्षी वृंद लिखा जाएगा। इसी तरह शिक्षक, शिक्षक के लिए शिक्षक गण हो जाएगा बहुवचन जब लिखेंगे इसका। तो आपने देखा कि ये वृंद, लोग, वर्ग, जन और गण, ये इनको लगा करके हमने ये मूल शब्दों में यहाँ पर क्या बना दिया? एक वचन से बहुवचन बनाया। तो बच्चों ये था वचन के विषय में, जो संज्ञा का एक विकारी तत्व है। आपने जाना कि वचन किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं और इनको बदलने में कौन सी मुख्य बातों को ध्यान में रखना चाहिए।